बिहार से लेकर दिल्ली में अपनी राजनीति चमकाने वाले कथित बाहुबली नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जब तक सोशल मीडिया साइट एक्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान नहीं दिया था, तब तक उनका रुतबा और थाक लोगों से लेकर राजनेताओं के बीच बनी हुई थी। लेकिन अब जब से पप्पू यादव की जिंदगी में लॉरेंस बिश्नोई नाम की एंट्री हुई है, तभी से यादव जी की रात की नींदें और दिन का चैन हराम हो चुका है। जी हाँ, कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सोशल मीडिया और फोन के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने से पहले एक्टर सलमान खान के प्रति चिंता जाहिर करना और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान सिद्दीकी से मुंबई जाकर उन्हें हौसला देने वाले पप्पू यादव अब खुद ही हौसला हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नौबत तो यहाँ तक आ गई है कि वे खुद कह रहे हैं कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या फिर किसी और को, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पप्पू यादव ने शुक्रवार को फेसबुक लाइव पर आकर जो ये बातें कही हैं, उसने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि लॉरेंस हो या फिर कोई और, इसमें हिंदू मुस्लिम का कुछ लेना देना नहीं है। आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते, या आप जिसको मारे मारिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। सलमान को बचाना है या फिर नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव ने आखिरी में कहा कि हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। यानी पहले 24 घंटे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया करने की चुनौती देने वाले पप्पू यादव जी के सुर अब बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि पप्पू यादव को मिली धमकियों के बाद उनकी पत्नी भी उनसे किनारा कर रही हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि ये कानून व्यवस्था का मसला है, इसका उनके या उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये मामला सरकार की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के इस बयान से उनका कोई संबंध नहीं है। हम पति पत्नी लगभग 1.5-2 साल से अलग अलग रह रहे हैं, उनसे मेरे विचार नहीं मिलते हैं। खैर, अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें MH1 न्यूज़।